यार बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं वीडियोस को। थैंक्स अलॉट यार, मैं जितना भी थैंक्स कहूँ वो कम है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर हमारे चैनल के, क्योंकि हम सभी का चैनल है, यहाँ पे सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी टॉपिक सेलेक्ट होते हैं उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। जो भी आपने बोला है, जो भी वोटिंग में आप वोट करते हो, मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आज हम करने वाले हैं चेस्ट का वर्कआउट, चेस्ट का वर्कआउट रेजिस्टेंस बैंड के साथ। तो यहाँ पे अगर आपके पास ट्यूब है या आपके पास बैंड है, दोनों से ही बहुत आराम से आप परफॉर्म कर सकते हो इन दोनों का यूज़ करके। सो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ चेस्ट की वर्कआउट अगर आपको करनी है तो आप कैसे करोगे। सो बिना देरी शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सो बेसिकली हम बैंड का यूज़ करेंगे एज अ वेटेड पुशअप, जैसे आप करते हो सेम वैसे ही यहाँ पे आपको फील आएगी, क्योंकि आपने वेट जो डाला हुआ है वो रेजिस्टेंस बैंड से डाला हुआ है। तो काफ़ी अच्छी वर्कआउट है अगर आप चेस्ट को अपने पंप करना चाहते हो। जैसे मशीन पर फ्लाई करते हैं सेम वैसे ही आपको करना है, बट यहाँ हम सिंगल हैंड कर रहे हैं, एक बार में सिर्फ एक हाथ को ट्रेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो बैंड है वो डबल लेयर वाली है, सो थोड़ी छोटी पड़ेगी अगर मैं दोनों हाथ यूज करूँ तो। यहाँ पे बेसिकली आपको हाई केबल क्रॉसओवर परफॉर्म करना है। सो अपने दोनों हाथों को काफ़ी पास लाना है और इसे करीब करीब अपने नोज तक लेके जाना है, ऊपर उठाना है, और ट्राई करें कि आपकी चेस्ट इन्वॉल्व हो, अपने हाथों का या बाइसेप्स का यूज़ ज़्यादा ना करें इसमें। सो जैसे आप चेस्ट प्रेस परफॉर्म करते हैं एक बेंच पे, सेम वैसे ही एक्सरसाइज है ये, यहाँ पे आपको खड़े होके सेम वही इफेक्ट लाना है। सो काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है और काफ़ी सिंपल है। सो बेसिकली आप सोचो कि यहाँ पे एक बेंच पे लेटे हो और आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो। जैसे हमने डबल हैंड क्रॉसओवर किया था, यहाँ पे सिंगल हैंड करेंगे। अगर आपकी केबल जो है वो थोड़ी छोटी पड़ रही है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, सिंगल हैंड के साथ जा सकते हो। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम अपर चेस्ट को टारगेट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छा पंप मिलेगा आपको। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी, और साथ में अगर आपको लगता है कि मुझे एक और वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं फुल बॉडी बताऊँ या स्प्लिट बताऊँ, कुछ भी लगता है आपको, सो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।